अध्यक्ष कप नगर पालिका द्वारा नाइट टूर्नामेंट क्रिकेट का आयोजन किया गया था। इसका सेमीफाइनल बिकम गांव वर्सेस चाबुक 11 के बीच में खेला जाना है। तो बीकानेर टीम उधर साइड पर खड़ी है और यह है स्टेडियम। बैटिंग पे आए हैं ऋषि बीकानेर के जाने माने खिलाड़ी। ये रिवर्स शॉट खेलने में ज़्यादा माहिर है, देखते हैं आज इनके रिवर्स शॉट देखने को मिलते हैं या नहीं हमें। बॉलिंग करते हुए शुभम, पहले गेंद पे मारा है भाई ऋषि भाई ने 4 रनों के लिए। ये बीकानेर के दर्शक देख सकते हो आप, बैटिंग करते हुए ऋषि। काफी अच्छी क्वालिटी आ रही है क्या? मजा आ गया देख के क्या बोलूं? ओ वसीम भाई, तुमने पूरी पिक्चर ही फिल कर दी यार। ये छक्का है ऋषि के द्वारा, एक छक्का मारा है। एक और उठा के मारा है शॉट 6 रनों के लिए। 2 बॉल पे 2 छक्के मार चुके हैं ऋषि हमारे भाई। कैच छूट चुका है ऋषि का, कैच ड्रॉप हो चुका है ऋषि भाई का। अगर एक कैच हो जाता तो भी पूरा मैच ही पलट जाता। चाबुक 11 वर्सेस पांधार 11 का मैच था हमारे, इसमें पांधार 11 ने पूरे बीकानेर के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। बैटिंग पे है अभी ऋषि, बॉलिंग कर रहे हैं शुभम, देखते हैं कितना रन बना पाती है बीकानेर की टीम। गेंद खड़ी हो चुकी है, लगता है कैच हो सकता है, छूट गया। आज लग रहा है ऋषि का दिन है। बोलो जुबा केसरी, बैट्समैन का नाम है विमल, इसलिए मैंने बोल दिया बोलो जुबा केसरी। वाइट बॉल का सारा एम्पायर के द्वारा और पहली बन बाउंस करा बेस्ट बॉलर। कैच, ओ यार कैच ड्रॉप हो चुका है अमित भाई हमारे, थोड़ा अगर पीछे होता तो कैच को पकड़ सकते थे। कैच ड्रॉप हो चुका है, मैंने 2 कैच छोड़ चुके हैं अभी के अभी, दोनों कैच इनके हाथ के पास से गया था हमारे अमित भाई, देख सकते हो आप अभी कमर पे आधा के घूम रहे हैं। मेरे को तो गेंद दिखी किधर गई, ओवर की समाप्ति पर 27 रन हो चुके हैं बीकानेर के, सॉरी पांधार 11 के। ऋषि काफी अच्छे बल्लेबाज, अब तक अच्छे शॉट्स दिखा चुके हैं नेपाल नगर की खेल पीढ़ी से। दो ओवर हो गए ना, दो ओवर की समाप्ति पर 27 रन।
एक विकेट के नुकसान पर पानघर 11। और एक अच्छा शॉट वहां पर ऋषि के बल्ले से, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। फील्डिंग शुभम केसरी केसरी के रूप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, दो रन आसानी से पूरे किए। पर से चादर के रन के बदले खेला जा रहा है। और एक बड़ा शॉट वहां पर खिलाड़ी मौजूद है बॉल के नीचे। छह रनों के लिए कौन ये कर छह रन दोस्तों, छह रनों के लिए दो बॉल पे दो छक्के मार चुके हैं ऋषि भाई। नेपाल जितनी पब्लिक है हमसे यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो आके अपने इरादे जाहिर कर दिए उन्होंने इस इनिंग के। और एक बार शॉट खेलना चाहा था अभी से फिर है शुभम केसरी जी, तो रन चुराने से नहीं रुक पाए। वो फाइनल में लगा बैठे हैं गया बच गया बे तीन ओवर की समाप्ति पर, तीन ओवर की समाप्ति पर 49 रन पांडार 11 का स्कोर। हाँ गणेश डिजिटल पॉइंट नेपालगर की तरफ से, अगर कोई 5-6 लगातार लगाता है तो उसको 5000 रुपए की नगद राशि जो कि फोन पे के माध्यम से उनके खाते में दी जानी है। गणेश दुनगे पांच छक्के जो लगाता है चार रनों के लिए। पावर प्ले खुल रहा है चार रनों के लिए खेलने के फेसबुक के खिलाड़ी देख सकते हो आप, नाम है नेपाल नेट 9 टूर्नामेंट का, पर खिलाड़ी बाहर बाहर से खेलने आते हैं। एक और छक्का देखने को मिलता है, कल लंबा शॉट मारा है छह रनों के लिए। इसी के अभी तक के छः छक्के हो चुके हैं शायद, मुझे से याद है। इसी प्रकार ऋषि के 50 भी हो चुकी है, फिर दिखा दो भाई ऋषि एक बार। पांच छक्के की मदद से ऋषि ने अपना फसल तक पूरा किया है। ये हमारे भाई नेपाल नगर के, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ के यहाँ गजब शॉट ये से देखने को मिलेगा आपको दोस्तों। से गेंद हमारे घर के बाहर विमल ने मारा है जीवा के, एक और छक्का उसी दिशा में दोस्तों देखने को मिलेगा आपको 6 रनों के लिए। बॉल्ट मार दिया भाई ने दो छक्के खाने के बाद, काफी अच्छी बॉलिंग। मर गया बच गया। चार रनों के लिए दोस्तों है। फील्डिंग हो चुके हैं, दूसरे रन का कॉल किया है वहां पर, दो रन आसानी से पूरा किए। दो विकेट के नुकसान पर पांडा 11। पांच ओवर की समाप्ति पर पांडा का स्कोर है 84 रन, दो विकेट के नुकसान पर
जिसे भाई अपने नीचे स्कोर पे खेलते हुए अभी लगभग 60 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं। आज इनामों की बरसात हो रही है दोस्तों, आज से इससे पहले कभी सुना नहीं था कि इनामों की इतनी बरसात हो रही थी। अबे यार मिस हो गई है बॉल, ये नटराज ने बुलाई थी। अरे क्या पजा था ना हमारे को, अखिलेश शतक मार के गया था। मैच कैच छोड़ोगे तो मैच हारोगे। सात छक्के मार चुके अब तक ऋषि, आठ सॉरी हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि आठ छक्के मार चुके और हम सात पे अटके हैं अभी। तीन बॉल डॉट खेल चुके अभी तक के। चार रनों के लिए इससे आउट हो गया। और शतक पूरा करने के बाद इससे आउट हो गए हैं और पवेलियन की तरफ जाने की तैयारी है। काफी अच्छी बैटिंग की ऋषि भाई ने, जो बिगन गांव के जाने माने खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने आज आठ छक्कों की मदद से अपने 50 पूरी की थी और अभी आउट होके जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। देख सकते बाकी खिलाड़ी उनका गुस्सा बढ़ाते हुए ताली से स्वागत करते हुए ऋषि भाई का। ये मुकाबले को विकन गांव ने एक तरफा ही जीता था।